Hi everyone, I am Dr. Vaishali Sharma, consultant gynecologist, laparoscopic surgeon and infertility specialist at Milann New Delhi Center. आज हम बात करेंगे कोविड और प्रेगनेंसी। आज पूरा ही विश्व, हमारा पूरा देश कोविड की मार से परेशान है। आज कोविड पेंडेमिक पूरे विश्व में फैला हुआ है। हमारा देश उसकी सेकेंड वेव का सामना कर रहा है और सेकेंड वेव हम सब जानते हैं सबके लिए बहुत ही घातक साबित हुई है। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा जो इस साल या इस महीना अफेक्ट हुए हैं वो हैं प्रेग्नेंट लेडीज़। हमारे पास बहुत सारी पेशेंट्स आती हैं जो प्रेगनेंसी है जिन्हें, और उन्हें अगर कोविड होता है तो उनमें जो सिम्टम हमें देखने को मिल रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा घातक मिल रहे हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी में अपने आप बॉडी में कुछ चेंजेस होते हैं, जो फिज़ियोलॉजिकल चेंजेस हैं जिनकी वजह से प्रेगनेंसी में बॉडी में वो जो चेंजेस हो रहे हैं उससे कोविड के लिए वो लेडी और ज़्यादा ससेप्टेबल हो जाती है। सबसे पहले तो जब बच्चा ग्रो कर रहा है, यूट्रस ग्रो कर रहा है, वो लंग्स को ऊपर की ओर पुश करता है, जिससे लंग्स की खुद की कैपेसिटी अपने आप थोड़ी कम होती जाती है जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ रही है। दूसरी चीज़, हार्ट जो पंप करने का काम करता है ब्लड को, उसे ब्लड, वही ब्लड यूट्रस में भी सप्लाई करना है, बच्चे को भी सप्लाई करना है। जैसे जैसे बच्चा ग्रो कर रहा है वो हार्ट के ऊपर वही लोड बढ़ता जाता है। ये एक फिजियोलॉजिकल चेंज है जो एक नॉर्मल लेडी आराम से झेल पाती है या उसका हार्ट उसे आराम से अकोमोडेट कर पाता है। तीसरी चीज़ होती है ब्लड क्लॉटिंग की परेशानी। प्रेगनेंसी में अपने आप एक नेचुरली ओवरऑल बॉडी में क्लॉटिंग की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। यही तीनों चीज़ें इनके साथ जब कोविड का वायरस उन पे इन्फेक्ट करता है या उनकी बॉडी में कोविड का वायरस का इन्फेक्शन होता है, यही तीनों चीज़ें जो ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज कंडीशन में थी वो और ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती हैं। लंग्स में जब इन्फेक्शन होता है, जो ऑलरेडी यूट्रस, बढ़े हुए यूट्रस की वजह से या ग्रोथ ऑफ यूट्रस की वजह से जो ऑलरेडी ऊपर की तरफ पुश्ड हैं और उनमें उनकी कैपेसिटी कम है, तो जब कोविड का इन्फेक्शन वहाँ होता है उनका ऑक्सीजन सेचुरेशन का फॉल होने का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। या जो हार्ट है जो कि नॉर्मली अपने आप से डबल काम कर रहा है पहले से, उसमें जब वायरस का इन्फेक्शन होता है और वो मायोकार्डाइटिस करता है, ऐसी कंडीशन में हार्ट के ऊपर और ज़्यादा एक्स्ट्रा लोड पड़ता है और वही चीज़ एक प्रेग्नेंट लेडी के लिए बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाती है। तीसरी चीज़ जो कि ब्लड क्लॉटिंग की परेशानी है, जिससे कि प्रेगनेंसी में जो अपने आप एक एक्स्ट्रा तरीके से बढ़ी हुई होती है क्लॉटिंग का चांसेस होते हैं, वही कोविड होने से और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसी वजह से एक प्रेग्नेंट लेडी अगर कोविड को एक्सपोज होती है तो उसको कहीं ज़्यादा, बहुत ज़्यादा रिस्क होता है एक जनरल पॉपुलेशन के कंपैरिजन में,